वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। दर्शकों, अब हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। जैसा कि विंटर सीजन आ गया है तो हेल्थ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जैसे कोल्ड, काफ और प्लस काफ़ी जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। तो ये सब कैसे मेंटेन रखें, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सुरभि जैन। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि विंटर्स आ गए हैं तो जो लेडीज़ होती हैं, वुमेंस को बेसिकली बहुत टेंशन रहती है अपने वेट को लेकर। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस भी हो जाती हैं अपने वेट गेन को लेकर। तो इस पे बताइए कि वो किस टाइप की डाइट फॉलो करें। विंटर्स की जो डाइट होती है वो हमारी नॉर्मल डाइट से थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि विंटर्स के अंदर हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, विंटर्स ऐसा टाइम होता है जैसे कि हमने देखा है ज़्यादा कफ हो गया, कोल्ड हो गया और ब्रोंकाइटिस की दिक्कत आती है। फिर जो आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, खासकर उनके लिए विंटर्स बहुत ही परेशानी वाली चीज़ होती है। बहुत बॉडी एक्स हो गए, हाथ पैर में दर्द है। और ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ज़्यादातर लेडीज़ ये महसूस करती हैं विंटर्स के टाइम कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल और स्किन का जो होता है ना, ग्लो चला जाता है। तो इसलिए हमारी डाइट ऐसी हो जो कि न्यूट्रिशियस हो, कैलोरी में पूरी हो और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हो गए वो हमारी डाइट में होने चाहिए। जी मैम, तो मैम क्या खास डाइट होनी चाहिए जो हमें विंटर्स में फॉलो करनी चाहिए? विंटर्स की डाइट में क्या होता है कि जो फैट कंपोनेंट होता है हमारी डाइट का, उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। नॉर्मल डाइट ऐसे रहती है विंटर्स की कि भाई 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट हो गए, 20 to 30% हमारे प्रोटीन हो गए और 10 to 20% फैट हो गया। तो इसको हम अब कैसे इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में? तो पहली चीज़ ये है कि जो होल ग्रेन्स हो गए जैसे कि गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जवार हो गया, ये सब कुछ हमारी डाइट के अंदर होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें एक तो हमें फुलनेस की फीलिंग रहती है और इनका कैलोरी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर प्रोटीन कंपोनेंट को हम देखा जाए तो पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, ये सब कुछ हमें अपनी डाइट के अंदर रखने चाहिए। और खूब सारे फ्रेश फ्रूट्स, अच्छे वाले फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, उन सबको भी हमें अपनी डाइट के अंदर रखना चाहिए ताकि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे उन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं। और इस मौसम में बहुत जैसे नट्स वगैरह आते हैं, आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गए, डेट्स हो गए, रेजिन्स हो गए, तो इन सबको भी हमें एक रेजिम बना लेना चाहिए कि दिन में कम से कम 10 nuts तो हमें लेने ही लेने हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जी, अब जैसे कि काफ़ी सारी जो डिजीज़ेज़ हैं वो भी एसोसिएटेड रहती हैं विंटर्स से, जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, कोल्ड है, कफ है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है लोगों में। तो ऐसी क्या डाइट फॉलो करें जिससे जो हमारी इम्यूनिटी है वो बनी रहे और वो स्ट्रॉन्ग रहे? देखिए, इम्यूनिटी को जब हम इंक्रीज़ करने की बात करते हैं तो वापस वही पॉइंट आता है कि हमें बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने खाने में रखने चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स में जैसे आजकल के मौसम में आते हैं अमरूद हो गया, ऑरेंजेस हो गए, पाइनएप्पल हो गए, तो ये जितने भी सीजनल फ्रूट हैं वो हमारे खाने में होना आने चाहिए। और देखा गया है कि बच्चों के केस में बच्चे नहीं खाते हैं फ्रूट्स, तो आप एक काम करिए कि दिन में 2 बार बच्चों को आपने जूस दे दिया, तो फ्रूट का जितना कंपोनेंट है वो हमारी डाइट में आ गया। उसके बाद जितनी वेजिटेबल्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है सीजनल वेजिटेबल्स, बहुत अच्छी जैसे पालक आता है, बथुआ आता है, तो इन सबको हमें अपने खाने में रखना चाहिए। उसके बाद विंटर्स में स्पेशली अगेन नट्स वगैरह हो गए, इनको रखिए। और इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं गार्लिक और जिंजर। तो कोशिश करिए कि जो हम सब्जी बनाते हैं, लेडीज़ जो सब्जी बनाती हैं, उसके अंदर गार्लिक और जिंजर को ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें। फिर जैसे मशरूम आते हैं, कहते हैं कि मशरूम हमारी बॉडी में किलर टी सेल्स होते हैं, उनको बढ़ाते हैं, तो मशरूम को खाने में रखिए, ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। फिर साथ में बच्चों के केस में हम योगर्ट दे सकते हैं। योगर्ट कहते हैं कि इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं, तो गुड बैक्टीरिया डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। तो जहाँ तक इम्यूनिटी का है, ये सब चीज़ें हम अपने डेली रेजिम में रख सकते हैं। जी मैम, जैसे कि महिलाएं जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी ग्लोइंग स्किन को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर, तो ऐसी क्या स्पेसिफिक डाइट वो फॉलो करें जिससे उनकी जो स्किन है वो हेल्दी बनी रहे और उनका जो ग्लो है वो बना रहे? सबसे पहले तो हमारी डाइट जो है विंटर्स की वो बहुत ही न्यूट्रिशियस हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हो गए और साथ में मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, इससे भरपूर हो। तो आप जितने भी वेजिटेबल्स हैं आप उनका सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वेजिटेबल्स में ज़्यादातर मात्रा में रहते हैं। तो कोशिश करिए कि वो जितने भी वेजिटेबल्स हैं या तो स्टीम फॉर्म में, अगर आप ज़्यादातर लेडीज़ आजकल वेट कॉन्शियस होती हैं तो आप या तो उसको स्टीम फॉर्म में ले सकते हैं या फिर आप उसका सूप बना लीजिए। तो जैसे सूप बनाया तो हमने सूप के अंदर पालक डाल दी, आयरन ज़्यादा होता है, हमने कैरेट डाल दिया, बीटा कैरोटीन होता है तो एंटी एजिंग इफेक्ट होता है इसका, हमने उसके अंदर जिंजर डाल दिया तो जैसे मैंने बताया थोड़ा सा वेट लॉस इफेक्ट होता है, एक वार्मिंग इफेक्ट देता है, तो ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। और साथ में हेयर्स के लिए स्पेशली एग बहुत अच्छा होता है, एग वाइट बहुत अच्छा होता है, उसमें अंदर विटामिन के और विटामिन ई होता है। और स्किन के लिए अगेन विटामिन ई और विटामिन ए लेना अच्छा होता है, तो कैरेट आप बॉइल्ड फॉर्म में ले सकते हो। इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में डाल सकते हैं। जी, अब अगर हम बात करें जो ऑफिस गोइंग और वर्किंग लेडीज़ हैं उनके बारे में, तो वो कैसी न्यूट्रिशन डाइट लें ताकि उनका हेल्थ बना रहे, और जैसे कि क्या होता है काम में उनकी मील्स जो ब्रेकफास्ट और लंच होता है वो भी स्किप हो जाता है, तो वो कैसे अपनी हेल्थ बनाए रखें। विंटर्स के टाइम में मॉर्निंग में कहते हैं कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट सबसे हैवी होना चाहिए, तो मॉर्निंग के टाइम हम वो घर से दलिया जैसे खा के जा सकती हैं, या आजकल बहुत ओटमील फुल्ली फोर्टिफाइड ओटमील्स आते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी मिनरल्स और विटामिन प्रेजेंट होते हैं और उनकी फुलनेस की फीलिंग रहती है, उनको काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगती उसके बाद, तो मॉर्निंग का नाश्ता वो रख सकती हैं। और जब वो अपने साथ लेके जाना चाहे टिफ़िन में तो एक वेजिटेबल सैंडविच हो गया, उसको ले जाया जा सकता है, या फिर रोटी के साथ सब्जी के अंदर आप सारी या तो स्टीम वेजिटेबल ले लो अगर बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस हैं तो। और फिर एक कोशिश करिए कि एक गिलास शाम को आकर एक गिलास जूस का और सूप जो कि वेजिटेबल सीजनल वेजिटेबल का सूप है वो ज़रूर अपने खाने में रखें। जी, अब मैं आपसे लास्ट में यही जानना चाहूँगी कि क्या क्या हैं वो ख़ास बातें जो कि विंटर्स में ध्यान रखनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए हमारी डाइट, दैट इज़ ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, वो कैसा होना चाहिए। देखिए, ठंड में क्या होता है कि हम ज़्यादातर अंदर रहते हैं और कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठंड में थोड़ा अच्छी तरह से वर्क करता है, तो हमारे खाने में कुछ ज़्यादा ही आता है, तो जैसे ही मालूम पड़ता है कि भाई जैसे स्वेटर्स गए तो थोड़ा हमने वेट गेन कर लिया। तो ज़्यादातर लेडीज़ को ये वेट गेन की दिक्कत विंटर्स में आती है, तो हमें अपने विंटर की डाइट ऐसी रखनी चाहिए कि न्यूट्रिशियस हो पर वेट गेन ना हो इसके साथ। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि एक विंटर में अच्छी डाइट क्या रहेगी, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में ओटमील ले लिया, वेजिटेबल सैंडविच ले लिया, साथ में अगर आप चाहें तो थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके उपमा ले लिया, डोसा बनाया तो डोसा लिया जा सकता है, गर्म होता है अच्छा लगेगा, इडली ली जा सकती है, पोर्शन कंट्रोल करके कि ज़्यादा मात्रा में ना लिया जाए। उसके बाद हमेशा ध्यान रखें आप कि स्नैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 2-2 घंटे में स्मॉल मील, उससे क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हमारी BMR हाई रहती है। तो फिर 2 घंटे के बाद फिर आपने मिड मॉर्निंग जैसे स्नैकिंग कर ली, उसके अंदर आपने फ्रूट्स ले लिए या फिर सूप बना के रख लीजिए, तो थोड़ा सा सूप ले लिया और चना लइया ये आप रख सकते हैं मिड मॉर्निंग स्नैकिंग के लिए। फिर वापस दिन के खाने में रखिए कि इस मौसम में बहुत सारी वेजिटेबल्स आती हैं जो कि पूरे साल नहीं आती है, तो उनको खाने का फ़ायदा ये रहता है कि उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से हमारे कहते हैं कि हमारे बालों में हेयर लॉस थोड़ा कम होता है और स्किन में ग्लो आता है। इस टाइम की वेजिटेबल्स हैं जैसे पालक है, मेथी है, और तो पालक का साग बनता है, मेथी और बथुआ की रोटी बनती है, यहाँ यूपी के साइड रसावर बनता है और राब वगैरह हो गई। तो बिल्कुल ज़रूर से आप ये जो विंटर का जो सीजनल डेलिकेसीज़ हैं इसको अपने खाने में ज़रूर रखिए, और बाकी नॉर्मली जो 2 रोटी सब्जी दाल और चावल जो हमारा एक इंडियन खाना होता है वो इंडियन खाना अपने खुद में एक वेल बैलेंस्ड मील है, तो कोशिश करिए कि इस तरीके से रखिए आप। फिर वापस शाम के टाइम हम चाहें तो राब बनाई जा सकती है या फिर सूप बनाया जा सकता है। दिन में एक बार सूप और 2 टाइम जूस हमें लेना ही चाहिए। फिर रात का खाना वापस इसी तरीके से हो गया, दाल रोटी सब्जी चावल, और कोई भी सीजनल जो भी चीज़ आ रही है मेथी की रोटी बथुआ की रोटी वो आप अपने खाने में रख सकते हैं। थैंक यू मैम कि आपने हमें इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। दर्शकों, अब मैं आपको याद दिला दूं फिर से कि आप हमें अपने क्वेश्चंस, अपने सजेशंस और अपना फीडबैक ईमेल कर सकते हैं sangani@etv.co.in पे। हमें रहता है बेसब्री से आपकी ईमेल्स का इंतज़ार। अब वक्त हो गया